झारखंड में सख्त लॉकडाउन की तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन आज कर सकते हैं फैसला। झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन 13 मई सुबह 6 बजे तक है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को प्रभावी तरीके से तोड़ने के लिए सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 13 मई से आगे मिनी लॉकडाउन को बढ़ाएगी। इस बार इसका स्वरूप और सख्त होगा। जनप्रतिनिधियों ने शादी विवाह के आयोजन पर सख्ती बरतने का सुझाव दिया है। अंतिम संस्कार पर भीड़ एकत्रित हो रही है, यह भी सरकार के संज्ञान पर में आया है। इस पर भी सरकार कड़ाई कर सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुधवार को हो सकती है। बैठक में कोरोना के मौजूदा संक्रमण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सूबे में मिनी लॉकडाउन के मौजूदा स्वरूप भी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण होता दिख रहा है, लेकिन सरकार की चिंता ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने की है। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में 15 दिनों में हुई मौत पर 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान परमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोविड-19 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया विचार विमर्श। इस दौरान महिला व बाल विकास मंत्री जौबा मांझी की ओर से अवगत कराने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा उपायुक्त से जिले में पिछले 15 दिनों के दौरान हुई मौत के सभी मामलों पर 24 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के 7 विश्वविद्यालय के लिए वेतन और पेंशन मद में 979 करोड़ स्वीकृति जारी। किस विश्वविद्यालय को मिली कितनी राशि? उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के 7 विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 989.09 करोड़ रुपये वेतन व पेंशन मद में स्वीकृति किए हैं। उच्च व तकनीकी विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल ने राशि स्वीकृति पर अपनी मुहर लगा दी है। कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा कई विश्वविद्यालय में वेतन व पेंशन राशि नहीं मिलने से शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई थी। कई विश्वविद्यालय ने आंतरिक स्रोत से किसी तरह वेतन व पेंशन का जुगाड़ किया है। जानकारी के अनुसार रांची विश्वविद्यालय को कुल 379.76 करोड़ रुपये मिले। इनमें पेंशन मद है 190 करोड़ व वेतन मद में 189.76 करोड़ रुपये शामिल है। इसी प्रकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुल 195.36 करोड़ रुपये मिले हैं। झारखंड का रिकवरी रेट 10 दिनों में 3.67% तक बढ़ा। राजधानी रांची समेत इन 6 जिलों की स्थिति पहले से कहीं बेहतर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राहत भरी खबर आ रही। कुछ दिनों पहले तक जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमित मिल रहे थे, आज वहां ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। नतीजतन बीते 10 दिनों में राज्य का रिकवरी रेट 3.67% बढ़ गया है। 1 मई को राज्य में कुल रिकवरी रेट 74.44% था, जो 10 मई को 78.11% पहुँच गया। रिकवरी के मामले में 6 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और सरायकेला की स्थिति बेहतर कही जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 मई और 10 मई सुबह 9 बजे तक जारी हेल्थ बुलेटिन के तुलना करने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 मई को रांची जिले में 1377 नए कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 606 थी। इधर 10 मई की सुबह 9 बजे तक रांची में 779 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 1103 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। इससे पहले 9 मई को राज्य में 4169 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 6461 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। टीकाकरण के मामले में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। टीके के पहले डोज का लक्ष्य 48% ही हुआ पूरा। राज्य में हेल्थ वर्कर व फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि टीकाकरण में
हम लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। टीका के पहले डोज के लक्ष्य की बात करें तो मां 26% ही पूरा हो पाया, वही दूसरे डोज का लक्ष्य 48% पूरा हुआ है। राज्य के कई ऐसे जिले जहां 45 साल से अधिक उम्र वालों को टीका देने का लक्ष्य 12-30% तक ही पूरा हो पा, इससे सबसे पिछड़ा जिला साहिबगंज है जहां मात्र 12% लक्ष्य पूरा हो पाया। इसके बाद देवघर में 17%, गुड्डा में 19%, गढ़वा में 19%, पाकुड़ में 22%, गिरिडीह में 23% लक्ष्य पूरा हो पाया। टीके के दूसरे डोज की बात करें तो साहिबगंज में 14% लक्ष्य ही प्राप्ति हुई, वहीं खूंटी में 21%, गढ़वा में 25%, पाकुड़ में 26% व गुमला में 29% ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग ऐप लॉन्च। CBSE ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया। इस काउंसलिंग ऐप का नाम दोस्त फॉर लाइफ CBSE के पूर्व समन्वयक डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि ऐप का उद्देश्य विद्यार्थियों के साइको सोशल वेलनेस में सुधार करना। पिछले वर्ष से कॉलेज स्कूल बंद और परीक्षा रद्द कर दी गई है। विद्यार्थी व अभिभावक महामारी के बीच मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तनाव से झेल रहे हैं। ऐसे में यह ऐप छात्रों व अभिभावकों के लिए काफ़ी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में विद्यार्थियों के बीच मानसिक अवसाद की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में यह काउंसलिंग ऐप उनकी मदद करेगा। CBSE ने सोमवार से वार्षिक काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू भी कर दिया। ऐप पर शैक्षणिक, सोशल, इमोशनल और व्यवहार संबंधी सामग्री मौजूद है। मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला। राज्य की बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ और साहिबगंज में हल्के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया, आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में आज मौसम करवट लेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज में हल्के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन से सवाल। पीएम केयर से मिले ऑक्सीजन प्लांट में विलंब क्यों? भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जनता को बताने के लिए कहा है कि पीएम केयर फंड से मिले ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में विलंब क्यों हो रहा है। मरांडी ने लिखा है कि सीएम बताए कि DRDO और पीएम केयर फंड से कितने प्लांट की स्वीकृति मिली है, 4-5 दिन में लगाने वाले प्लांट की स्थापना में भी विलंब क्यों हो रहा है। मरांडी ने लिखा है कि 50 बेड या उससे अधिक वाले अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट अग्निशामक सुरक्षा के साथ स्थापित की जाए। दक्ष टेक्नीशियन नहीं होने के कारण कई अस्पताल में हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दिया जाता, इससे ऑक्सीजन का दुरुपयोग होता और यह मरीज के हित में नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से की जाए। डॉक्टर समेत सभी चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की जाए। इसी तरह तथारी नियुक्ति कर चिकित्सा कर्मियों से काम लिया जाए।